वो टिल्लू जिया, तुम यहाँ क्या कर रहा है? वो बस खेतों में पानी चलाने आया था, पर तुम कैसे हैं? वो सैनी फार्म्स है ना? हाँ वो। हाँ हाँ भाई, तो उनके साथ हमारी कंपनी की डील चल रही है, पर वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बस अपने खेत हैं, तो यहीं काम कर लेता हूँ। टॉपर था ना तू कॉलेज का, क्या कहता था? हाँ, बिजनेस खोलेगा, ये करेगा वो करेगा, यही मिला तुझे करने को, खेती। हाँ अच्छा, एक मिनट रुक, रुक ना, अरे स्माइल तो कर, स्माइल कर। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है जी? सिर्फ टॉपर होना काफी नहीं होता है बिजनेसमैन बनने के लिए, क्लास होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा एक पैसे का बैकअप होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली तेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। देखो जी, इस बहाने तुझे तेरी औकात पता चल गई है ना? तो काम कर, तू कर अपनी ये किसानी, और मैं जाती हूँ मैकेनिक ढूंढने। और भाई कितना प्रॉफिट कमा लिया वो फल सब्जी बेचकर? जी तुम फिर से यहाँ आ गई। अरे बताया था ना मैंने कि इस एरिया के जो सबसे बड़े ऑर्गेनिक वेजिटेबल के वेंडर हैं मिस्टर सैनी, उनके साथ हमारी कंपनी की डील चल रही है, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। आज 20 फरवरी है ना, तो मैंने सोचा कि इतना स्पेशल डे है हमारा, मिलती चलिए। 20 फरवरी क्या है आज? अरे भूल गए तुम, अरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर। कितनी एक्साइटेड थी मैं, मेरी नाक के नीचे से तू लेकर गया वो अवार्ड और मैं देखती रह गई। जी इसमें मेरी क्या गलती है, वो तो कॉलेज का डिसीजन था ना। आज 7 साल हो गए इस बात। 7 साल तुम्हारे लिए होंगे ये। मैं जब भी अपनी कॉलेज लाइफ याद करती हूँ ना, तो मुझे बस वही एक टाइम याद आता है। बहुत दिन हो गए इस बात को, तुम कब तक इस बात को लेके बैठी रहोगे? मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, बहुत बहुत आगे, और तुम मेरे पीछे हो, समझे? गुड इवनिंग सर। ये सब छोड़ो, कहाँ हो ये बताओ। सर मैं अभी सैनी फार्म से वापस आ रही हूँ, वहाँ के सीईओ के साथ मेरी मीटिंग थी। तो डील क्रैक हुई? सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। जिया तुम 1 महीने से इस काम पे लगी हुई हो, कब क्रैक होगी डील? सर आई एम वर्किंग ऑन इट। व्हाट बट? तुम्हें पता है कि हम पहले स्टार्टअप है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं, और इस डील का मिलना बहुत जरूरी है। सर मैं आपके और भी तो डीलर से डील करवा रही हूँ, आपको यही क्यों चाहिए? जिया तुमको कितनी बार समझाऊं कि ये पूरा नॉर्थ रीजन संभालते हैं और लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, अगर ये हमारे स्टार्टअप से जुड़ेंगे तो ट्रस्ट अपने आप आ जाएगा हमारी कंपनी में। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम्हारा बेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये सीईओ वगैरह को छोड़ो और डायरेक्टली सैनी जी से जाके मिलो और डील क्लोज करो। पर सर, हेलो, प्रपोजल काफी अच्छा है आपका जिया जी, इससे हमारे सैनी फार्म्स की सेल्स ही बढ़ जाएगी और आपको भी काफी प्रॉफिट होगा। दैट्स ग्रेट, तो मैं ये डील कंफर्म समझू? हाँ। ये टिल्लू है आपके यहाँ मजदूरी करता है क्या? टिल्लू किसे बोल रहे हो मैम? ये त्रिलोक सर हैं, हमारे सैनी फार्म्स के ओनर। क्या? सीईओ साहब, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। अरे तू, आपने कभी बताया नहीं कि आप यहाँ के ओनर हो। क्या हुआ, इतनी शॉक्ड क्यों हुई? नहीं वो देखो जी, अब मुझे ना शुरू से ही बिजनेस करना था, पर पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सूट बूट पहनते हैं और एलीट सोसाइटी में रहते हैं, वही लोग बिजनेस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आता आईफोन, बल्कि मुझे तो ये अपना छोटा फोन ज्यादा अच्छा लगता है। I'm sorry, मैंने आपको जज किया, पर सर ये डील, अपनी इस डील के लिए मुझे बार बार सर कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सीईओ साहब, इनकी डील कैसी लगी आपको? काफी अच्छी है सर, साथ में काम कर सकते हैं।
दिखाइए जरा। मैं डील सिर्फ इसलिए साइन कर रहा हूं क्योंकि हमारे सीईओ साहब को अच्छे लगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।